Hello friends, assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel Gossip Pakistan. आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे everything you need to know about Rameez Raja. To continue, subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. Rameez Hasan Raja एक साबिक क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कई बार की है. पाकिस्तान से बाहर आने वाली इंतहाई सजीला शख्सियत में से एक रमीज राजा एक ठोस बैट्समैन थे जिन्होंने अपने खूबसूरत स्ट्रोक प्ले से क्रिकेट के माहिरीन को हमेशा हैरान किया. 14 अगस्त 1962 को पैदा होने वाले राजा राइट हैंडेड बैट्समैन और कभी कभार लीग ब्रेक बॉलर थे. रमीज ने 1978 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कदम रखा. रमीज राजा ने 2 मार्च 1984 को एक टेस्ट मैच में बैन अक्वामी सतह पर कदम रखा. अगरचे उनकी टीम ने इंग्लैंड को सिर्फ 3 विकेट से शिकस्त दी लेकिन उन्होंने हर इनिंग में 1 रन बनाया और एक नाकाबिले फरामोश आउटिंग की. ताहम कौमी स्क्वाड में अहम खिलाड़ियों के रिटायरमेंट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने तजुर्बे की मदद से राजा सीनियर साइड में जगह तलाश करने में कामयाब रहे लेकिन इन्होंने टेस्ट साइड में कोई ख़ास शिरकत नहीं की. रिटायरमेंट के बाद रमीज राजा को PCB का CEO मुकर्रर किया गया. एक रोशन और मुतहरक शख्सियत होने के नाते रमीज ने पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात में एक पेशरफ्त पर बातचीत में एक अहम किरदार अदा किया. भारत और पाकिस्तान के दरमियान 2004 की सीरीज़ 15 साल के वक्फे के बाद पाकिस्तान में खेली गई. ये इससे भी बड़ी कामयाबी थी कि 2 साल पहले दोनों ममालिक एटॉमी जंग के दहाने पर खड़े हुए थे. सीरीज़ ने लॉरेंस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड भी जीता. इन्होंने मीडिया को बढ़ते हुए वादों का हवाला देते हुए इसी साल CEO के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया. अब रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बनने के लिए तैयार हैं. ये फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ एक मुलाकात के बाद हुआ जिन्होंने PCB में गार्ड की तब्दीली के लिए पेशरफ्त की. रमीज राजा अब एहसान मानी की जगह लेंगे. सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. स्टे कनेक्टेड एंड अपडेटेड विद अस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.